नमस्कार, कैसे बने आप लोग। इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आकाश मिश्रा और हमारे संग जो शख्स बैठे बाड़ी उनके परिचित का जरूरत नहीं की, वो फेसिस से काफी बड़न खेसारी भैया हमारे संग बड़न। ऐसे में भैया खेसारी लाल यादव तो एक टाइम में एक नाम ना ब्रांड बन गई, आप कैसे देखेंगे इनके? देखिए सबसे पहले तो इस चैनल के देखे और जितना भी सुविधा बने सबकी मैच हो गया, खिसारी कहा बड़े कहा ना, हम आज तक ले फोकस पर ना कर ली, हम कितना काम कर ली, कितना अपना भोजपुरी के भाषा के हमारा स्तर से जाए, हमारा अपना ऊर्जा से अपन भाषा कहाँ चल जाए, ये फिर हमें हम हमेशा कोशिश करी ले। ऐसे हम 24 घंटा वर्क करी ले, चाहे वो जिम हमारे वर्क होके, चाहे हमारा बॉडी के वर्क होके, चाहे गायकी के होके, चाहे सिनेमा के होके, चाहे शो के होके, चाहे ब्रांडिंग के होके, हर चीज आदमी कोशिश कर ले जी। बस एक भोजपुरी के चेहरा जो लोग हमारे के बनो लेगा ओकरा के कितना ईमानदारी से हम और ऊपर दे सकते। भैया जैसे के वो सिंगर एक्टर कहीं जाला अपन लाइव कॉन्सर्ट करे कौन शो कर जाला तो ओके देखी खातिर बहुत भीड़ आवेला, लेकिन आपके देखी खातिर आदमी टावर पर चढ़ जाला, एक ऐसा का राज बा, जनता का प्यार कैसे मिलता आपके? देखिए सबसे बड़ा चीज बा कि जितना लोग हमारा के देखे खातिर टावर पर चढ़ेला वो कहीं ना कहीं हमारे से बहुत कनेक्ट हुआ। आज ऐसे जी आज तक ले हमारा कबू नेचर में स्टार्डम ना आई, स्टार्डम पर्दा पर बा जून भी बा हालों के फोटो देख के, चाहे आज इंडिया के हमारे वक्त जी एक बहुत बड़ा सर्वे निकल रहा तो हमें भी दू गो गाना रहा जो उनकी हमारे ना, तो बाकी के चार गाना पुष्पा के रहा और ये बाकी अंग्रेजी गाना को ले लिया सर कि पता ना कहाँ कहाँ कर रहा, लेकिन भोजपुरी से मात्र और हिंदी से भी एक गाना जी जी मात्र भोजपुरी, जबकि भोजपुरी के दू गो गाना कोको कोला और नथुनिया, तो कहीं ना कहीं लोगन के प्यार बवे हम कोशिश करी ले और एक कामे के वजह से दुनिया हमारे के इतना प्यार कर लेगा कि हम अपन काम के कबो ऐसा ना होके जहाँ कल करें जी हमारे जीवन में आज तक ले कल नहीं है, हम हमेशा कोशिश कर ले कि जो करत नहीं तो ना कहीं ईमानदारी से करी, ऐसे जाना से हमारे पहचान बा, अगर हम ओकरे से अगर दरकिनार हो जाए या ओकरे से हम पीछे हो जाए तो शायद जीवन में आवेला जीवन में बहुत दिक्कत हो, तो कोशिश आदमी करेला कि बस रोज कुछ नया करे, रोज कुछ अपने पब्लिक के एंटरटेन करे। यही साज में हमारा लगा था कि हम 2008 से गायकी क्षेत्र में बानी और 2011 से हम सिनेमा लाइन में आ गए, तो लगातार 2008 से लोग हमारा गाना सुनत है और उन्हें प्यार मिला था, जबकि प्यार बढ़ल बा घटल नहीं और कोशिश आदमी ही करते थे प्यार और बढ़ा। भैया गूगल में एक दो आई लू जिसमें आपके चौथा नंबर पे ऑल ओवर वर्ल्ड में आपके सर्च कर लिया और इंडिया में बतौर एक सिंगर आपके सर्च कर लिया मतलब 9वें नंबर पे, तो कैसा प्राउड फील हुआ कुछ सोच के, मतलब आप जब बात करे लाइक कि पूरा वर्ल्ड में सोचे कि आपके चौथा नंबर पे सर्च कर लिया। देखिए वर्ल्ड में सबसे बड़ा खुशी की बात थी, बाकी हम नीचे जहाँ ट्रेन जाए के रास्ता नहीं कि वो जी अपना बिहार यूपी के लोग अपना भाषा के लोग इंडिया वर्ल्ड का मैंने पूरा ब्रह्मांड में हमारे को गाना नंबर वन रहे कोको कोला जी जो उनकी मैंने हमारे बता जी 1.5 महीना तक नंबर गूगल पे सबसे टॉप पे रहे, तो कहीं ना कहीं लोगों के प्यार बा और सर्चिंग देख के खुशी भी होला कि आज अपना एक छोटा सा भाई चराय वाला लड़का के लिट्टी चोखा बेचे वाला आदमी के दूध बेचे वाला आदमी के आज लोग इतना प्यार और आशीर्वाद देता कि आदमी देखेला तो कहला कि आज दुनिया के टॉप के सिंगर में चाहे टॉप के लोगन में हमार नाम आवेला, तो वहाँ हमार नाम बल्कि भोजपुरी समाज के नाम है। ऐसे जो हम जहाँ भी जाए दुनिया के कोनो कोना में हम बेहतर से बेहतर कर ली, लेकिन भोजपुरी के जो माटी बा वो माटी से हम दूर कब ना हो पाए और ना ही हमारे के लोग दूर देखल चाहे, तो कोशिश आदमी करे लगे जो भी आदमी करे अपना माटी के लोगों के साथ मिल के करे, अपना माटी के भाषा के, अपना माटी के, अपना कल्चर के, हर चीज के। भैया आप बताते हैं कि आपको गाना कोका कोला एक दो लाइन सुना दी इंडिया न्यूज के दर्शक के, एक बार ए राजा छूटता बसे ना घर भी गोला, ए राजा जाई बाजारे ले ले आई एगो कोका कोला। भैया आपको एगो इंटरव्यू में सुनते कि आप यूपी का झारखंड और बिहार ये तीन गो राज्य का बहुत तारीफ करते हैं, मतलब ये कितना क्लोज भाई राज मतलब आपसे दिल के जिन राज्य आपके दिल से क्लोज बात बताइए। जितना अपने माई और बाबू जी मानी, जितना हमारा खाते हमारे माई और बाबू जी मानी, उतने हमारा खाते हमारे तीनों प्रदेश में जना प्रदेश की वजह से आज एक हमारे पहचान में, ना तो हमारे ऐसा आदमी के तो कहीं ना रहेगी, ऐसे जो हम जो ना गरीबी सही नहीं रह के घर ना रहने का कपड़ा ना खाए के खाना ना जेब में पैसा ना, अभी कई जगह नौकर के भी काम मिले,
ऐसा आदमी के तो ये जगह पहुंची के ना सही, लेकिन लोगन के इतना ज्यादा प्यार और प्यार देवे वाला भी वे लोग अपने यूपी बिहार झारखंड जो उनकी खिसारी के इतना प्यार देके और अपना प्यार से बड़ा कर रहा। हमारे मामी पापा के प्यार हमारा पैदा भइला के बाद मिला, लेकिन ओकरा बाद जो प्यार हमारे के जो राज्य के लोग दे यूपी बिहार झारखंड के लोग दे आज हमारा के एगो दुनिया में एगो स्थान बना दे, एगो दुनिया में पहचान मिल गई। क्योंकि जब तक धरती रही तब तक शायद खिसारी के दुनिया रहा, तो कहीं ना कहीं यही से ज्यादा कहीं ना कहीं तीनों राज्य से हमारा ज्यादा। भैया आपके बिग बॉस में बुलावल गए हुए, अब बिग बॉस इधर में गए नहीं, और हमके लगा था बिग बॉस में सलमान खान आपको मतलब बुलाए, तो बिग बॉस खातिर आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए बिग बॉस के घर चाहते कंट्रोवर्सी के घर, और वहाँ कुछ मायनेज आपको नहीं, हम जब गए थे तो हमारे दिमाग में था कि हाँ मायनेज हो सकता है, बट हम लोग अपने जीवन में हमेशा मायनेज करते चले कि अगर दो रोटी कम भी है तो हम अपने घर में झगड़ा नहीं, हम दो रोटी कम खा के सो जाने वाले लोग, और वहाँ है कि नहीं दो रोटी कम है, अब हमारा नेचर उस हिसाब से है नहीं, क्योंकि हमने तो गरीबी भी देखी है, हमने हर वो परिस्थिति देखी है अपने जीवन की जिससे इंसान कुछ सीखता है, तो हम हर वक्त सीखते गए, हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने को मिला और हर वो स्ट्रगल मुझे कुछ ना कुछ सिखाया, और इसीलिए आज मैं सर हर इंसान का इज्जत करता हूँ और हर इंसान को भगवान की तरफ, क्योंकि इंसान ही इंसान को भगवान का रूप बना गया, तो कहीं ना कहीं इसीलिए मैं वहां ज्यादा दिन तक नहीं रह पाया, क्योंकि वहां कंट्रोवर्सी करना है, झगड़ा करना है, लड़ाइयां करनी है, आपको गाली गलौज भी करनी है, और मेरे जीवन में ऐसा कभी परिस्थिति आई नहीं, हमने बहुत सारी गरीबी को झेली, बहुत सारे कष्ट को झेला है, बिना खाए भी सोए, बिना कपड़े के भी रहे, तो जब हम माइनस करके अपने जीवन को यहां तक लाए तो किसी प्लेटफॉर्म पे जाके अपने भाषा को, अब मैं किसी को भी गाली दूंगा तो वो भी तो किसी की माँ ही है जी, वो किसी की बहन ही है, अगर मैं किसी से नफरत करूँ तो भी तो इस धरती पर रहने वाला इंसान ही है, तो मेरा कुछ नेचर इस हिसाब से हमेशा रहा है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो सामने है वो गलत नहीं है, अपने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें सही है, तो ठीक है यार तू सही मैं गलत, इसके आगे क्या। भैया जब एगो छोड़ लेगा जन्म लेला तो क्योंकि सिंगर क्योंकि डॉक्टर बनने के होला, क्योंकि वकील बने के होला, क्योंकि इंजीनियर बने के होला, लेकिन आपके अंदर कब आई कि जब आपके लगल कि हम एगो एक्टर बनम, हम एगो सिंगर बनम और भोजपुरी समाज बिल्कुल पूरा वर्ल्ड का नाम रोशन करम? सच पूछिए तो हमारा दिमाग में ऐसा कौन बातें रहती है कि हम का बन, देखिए सोचे लाऊ जेकरा लगे करेंगे कुछ बैकग्राउंड होके चाहे वो पढ़ाई में आगे होके चाहे हम हर चीज में पीछे रहे, गरीबी हो ही ना रहे, पैसा कौड़ी बिल्कुल ना रहे, घर द्वार ना रहे, रहे के खाए के सब कुछ के, अब ये स्थिति में आदमी बताई अपने आप के ना सिंगर सोच सकेला, ना ही अपने आप के इंजीनियर सोच सकेला, ना ही अपने आप के डीएम चाहे कलेक्टर चाहे कोई भी दुनिया का बड़ा अधिकारी तो हमको वो सोच ही ना सकता है, ऐसे जो सोचे खातिर कोनो प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना, और हमारा लगे कोनो प्लेटफॉर्म ना रहे, हमारे घर के खुद के प्लेटफॉर्म ना रहे तो हम का सोच सके, वो बड़ा आदमी ये सोचे कि यार दो पैसा कहीं से आओ ताकि कम से कम घर के खर्चा अपन पढ़ाई भी चलो, वही में आदमी कुछ कमा ले जे घर भी बनवा दे, तो आदमी बड़ा खाली कमाई के सोचने रहे जे कुछ कमा ले, लेकिन हमके भी पता ना रहे, लेकिन धीरे धीरे लागत लागत जब कैसे ढीत हो ले हमारे तो ओकरा बाद से हमके लागल कि शायद हम भी गायक बन सके, ऐसे जो लोग हमके ज्यादा प्यार करे लागल तो हमके लागल जे गायक हम बन जाए, ऐसे जो गायकी भी ना रहे ना हमके तो हम अखंड कीर्तन गावे वाला आदमी हमारे गाँव के कृष्णा पिदर्दी, हम क्योंकि कृष्णा पिदर्दी बैठे मेरे साथी, इनका योगदान हम लोग बचपन से एक दूसरे के साथ रहे, एक भाई की तरह रहे, पवन पांडे जी जो कि हम सब लोग तीनों आज जवानी में भी एक दूसरे के साथी हैं, तो ऐसी परिस्थितियां थी ही नहीं, ना ही ऐसी स्थिति थी जो हम सोच सके जो हम बहुत कुछ कर लेंगे, क्योंकि करने के लिए आपके पीछे बैक सपोर्ट तो होना ही सही है, और हमारे पीछे हम तीनों के पीछे कुछ नहीं था, हम तीनों एक पुअर घर से थे, गरीबी थी, और हाँ लेकिन हौसला कुछ करने का था, ये नहीं कि क्या करना है, हम चलते गए रास्ते बनते गए जी जी, और उस रास्ते के हीरो बनते गए। आपने भी बताया भैया कि हौसला कुछ करने का था, आप इस मुकाम तक पहुंचे, सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? सबसे बड़ा श्रेय देखिए कि मेरे साथ रहने वाले हर लोग जिन्होंने मुझे हर पल कुछ ना कुछ सिखाया है, कुछ ना कुछ बताया है,
उन्होंने मुझे, जिनके घर में मैं नौकर था वो भी कहीं ना कहीं मेरे आदर्श की तरह, जिनका मैंने पैर दबाया है वो भी मेरे आदर्श की तरह। तो हर एक किसी एक आदमी का नाम लेकर मैं सबको छोटा नहीं कर सकता। मेरे जीवन में मुझे लगता है कि उस गांव के चाचा से लेकर, उस गांव के दादाजी से लेकर, मेरे घर परिवार से लेकर, मेरे समाज, मेरे हर वर्ग के लोग जिन्होंने मुझे अपना बेटा मान लिया, अपने बेटों से भी ज्यादा खेसारी का गाना सुना है खेसारी को, तो सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद है और योगदान सबका है। एक घर बनता है तो सिर्फ उस ईंट का योगदान नहीं होता, मुझे लगता है कि उसमें से में बालू, पर्दे, लकड़ी, दरवाजे, आपके उस मिट्टी का भी, उस बालू का भी योगदान होता है, उस बुरादे का भी योगदान होता है। मुझे लगता है कि इतना बड़ा टावर लोगों ने खड़ा कर दिया है तो किसी एक की मेहनत से तो ये नहीं हो सकता। सबने थोड़ा थोड़ा अपना ऊर्जा खेसारी को दिया और सबने थोड़ा थोड़ा प्यार दिया और एक मिसाल का। भैया जब से कोई इंसान बड़ा होता है, बड़ा बनता है तो लोग डिमोटिवेट करते हैं। आप गाने बहुत अच्छे गाते हैं, गाने देखकर भी बहुत काफी सुपरहिट होते हैं, कुछ लोग आपको प्यार करते हैं, कुछ लोग बोलते भी हैं कि नहीं गाना गंदा गा रहा है, तो इसमें क्या बोलना है आपको, उनको क्या बोलना है जो ऐसा बोलते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना है? देखिए जब हम बच्चे होते हैं तो अपने माँ बाप के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें गलत है तो गलत, उसको हम सही करने जाएंगे तो शायद और गलत हो जाएगा। इसीलिए अगर कोई आपके बारे में कुछ सोच रहा है, वो गलत सोचे या सही सोचे, कम से कम सोच तो रहा है। मेरी हमेशा मोटिवेशन यही रहती है कि मैं ये चीजें देखूं कि हाँ मेरे बारे में सोच तो रहा है, इससे बड़ा क्या हो सकता है यार। अगर वो गलत ही सोच रहा है तो सोच तो रहा है, और क्या गंदा है क्या सही है। जब हम अपने माँ बाप के, इस समाज में कौन ऐसा आदमी हो जो बता दे मुझे कि हाँ वो दुनिया के लिए सही और हर आदमी के लिए सही। तो जब एक प्रधानमंत्री को, एक मुख्यमंत्री को जब दुनिया गाली दे सकती है और उसको भला बुरा, उसमें कमियां निकाल सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हम कर रहे हो बहुत सही है। हो सकता है कि किसी के लिए वो गलत हो कि नहीं, अरे गलत है, क्योंकि उसकी सोच अपनी है, हमारी सोच अपनी है, हम जितना सोच रहे हैं हम उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। अब कोई कहे कि नहीं दुनिया के, अब पूरे मैं छपरा जिला से, तो मैं ऐसा तो नहीं कि पूरे छपरा जिला की सोच मेरे अंदर समाई है। सबका अपना सोच है, सबका अलग विजन है। कोई अगर उसमें डॉक्टर है तो कोई कलेक्टर है तो कोई एसपी है तो कोई हवलदार है तो कोई चकदार है। तो जब हर आदमी अपने सोच से अपनी चीजों को लेकर चल रहा है तो मैं ये कैसे कह दूं कि नहीं वो गलत है। इसलिए चीजें ठीक है उसके हिसाब से, वो चीजें गलत है। बाकी अगर वो 50 आदमी मुझे गलत बोलने वाले हैं तो 5 मिलियन मुझे एक दिन में, 10 मिलियन मेरे को एक दिन में सर्च करने वाले लोग जो उस गाने को देख रहे हैं, तो अगर वो गलत होता तो मुझे लगता है कि 50 लाख लोग उसको देखते नहीं उसको। हाँ हो सकता है जो कुछ लोग ये भी देखने के लिए कि उसमें गलत है कि सही, इसके लिए भी सर्च करते हैं, तो सर्च ही कोई मायने नहीं रखता है, इस बात को मैं भी मानता हूँ। बट वो लगातार व्यूअर उसके बढ़ रहे हैं, लगातार दुनिया उसको सर्च कर रही है, लगातार उसे इंजॉय, सच पूछिए तो जहाँ इंजॉय है वो गलत है। मेरे कहने का मतलब कि एक बेटा पैदा, हमारे 2 बच्चे, हम कहीं ना कहीं उसमें अच्छा लगा तभी तो 2 बच्चे आए। हमारी अपने वाइफ के साथ मुझे प्यार मिला तभी शायद मेरे 2 बच्चे भी है। तो हर आदमी कहीं ना कहीं मजा लेना चाहता है, तो उसको अगर वो मजा दे रहा है तो वो गलत कहाँ से है, उसको गलत कैसे कहे। कुछ लोगों को चीजें गलत भी लगती है। अब मेरे साथ में चलने वाली, अब मेरी वाइफ चल रही है कि मेरी बहन चल रही है कि मेरी बेटी चल रही है, ये तो सामने वाला बताएगा ना उसके नजरिए में क्या चल रहा है। अब वो क्या सोच रहा है उसकी सोच को मैं कैसे बदल सकता हूँ। तो कोशिश है कि खुद को बदलो, दुनिया बदलने जाओगे तो दुनिया आपको बदल देगी। भैया अभी बताया आपने 2 बच्चे हैं, वाइफ है, तो भैया इतना बिजी शेड्यूल रहता है, टाइम कैसे निकालते हो अपने फैमिली के लिए? बिल्कुल निकालता हूँ मैं हर छुट्टी के बाद, मुझे लगता है कि मैं 10 दिन घर पे रहता हूँ, उसी में 8 वीडियो अभी इधर तो 4 ही 5 दिन रहा, लेकिन फिर जा रहा हूँ 7-8 घंटे घर में रहूँ। और कभी कभी टाइम होता है बच्चों की छुट्टी रहती है तो वाइफ और बच्चों को शूटिंग भी बुला लेता हूँ। अभी मैं लंदन गया था तो 15 दिन लोग भी गए थे और वो लोग भी साथ में ही रहे। और फिर मैं बैंकॉक गया था अपना शूटिंग शूटिंग करने, तो वहाँ भी मेरे बीवी बच्चे सबके सब साथ में रहे। तो कोशिश करता है आदमी कि जहाँ भी उन लोगों के लिए स्पेस है वहाँ लेकर जाता है। और बच्चों का पढ़ाई लिखाई है आज की डेट में तो उनका पढ़ाई भी देखना होता है बस, क्योंकि अब बीवी है घर पे तो बच्चों को खाना बनाकर उनको टिफिन देना, अगर बच्चे बड़े हो गए होते तो शायद वाइफ को आदमी हर दिन छुट्टी पे लेके जाते हैं, लेकिन ऐसा संभव इसलिए नहीं होता है कि बच्चों की पढ़ाई है और बच्चों को अकेला घर पे छोड़ के। और मेरा फ्लैट नहीं है, मेरा बंगला है, तो बंगला में एक आदमी का रहना
आवश्यक रहता ही है कि नहीं, एक आदमी तो हम लोग को घर में शादी ब्याह भी होता है तो एक आदमी कोई ना कोई वहां पे रख के ही आना पड़ता है क्योंकि पूरा घर है। तो इसलिए मैं जब छुट्टी होता है बच्चों को तो मैं खुद ही उन लोगों को लेकर आता हूँ और अपने शूटिंग करता हूँ। चूंकि आप जमीन से जुड़े हुए हैं बिल्कुल, और भोजपुरी बिल्कुल आप हर शूटिंग वगैरह भोजपुरी में गाना है भोजपुरी गाते हैं, तो भोजपुरी समाज के लोग के लिए कुछ क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए मेरे मुझे यही कहना है कि जो भी आपके घर में बच्चा बड़ा हो तो उसको अप्रिशिएट करिए, उसको बड़ा करने की कोशिश करिए। आपने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको डांटिए, उसको बोलिए, लेकिन उसका एक जगह है आपको जिस दिन मिलता है, अगर आप दुनिया की नजर में आप अपने बेटे को खुद ही अगर माइक पे और सोशल साइट पे अगर बोलेंगे कि नहीं मेरा बेटा गलत है, तो मुझे लगता है कि पूरे समाज के बेटे गलत हो सकते हैं। क्योंकि आप किसी एक बेटा को नहीं, जिसको समाज ने बनाया है वो आज की सारी किसी एक आदमी का बेटा है ही नहीं, वो किसी एक परिवार का सदस्य है ही नहीं, आज वो पूरे राज्य का सदस्य है, वो राज्य का बेटा है, राज्य का धरोहर है। तो अगर आप उसको गलत बोलते हो, चाहे कोई भी कलाकार को आप गलत बोलते हो या कोई भी स्टार को या कोई भी नेता को, आपकी बात रखने जरूरी है, आपने बात रखी उसके लिए आपको कोई नहीं होगा, लेकिन उसकी शैली चेंज कर दीजिए, उसका तरीका चेंज कर दीजिए ताकि उसमें उसका सम्मान भी हो और आप अपने भाषा को भी सम्मान दे सकते, तो कोशिश यही करना चाहिए। भी हमने देखा कि भोजपुरी के जो काफी सिंगर्स एक्टर्स हैं तो कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया, आप क्या कहना है, मतलब आप क्या आपका कुछ ज्यादा है सर कि बीच में पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है आपको? देखिए मैं भी कुछ ऐसा सोचा नहीं हूँ पॉलिटिक्स ज्वाइन करना, क्योंकि मुझे लगता है कि मनोरंजन से बढ़कर कुछ नहीं है। मनोरंजन ऐसी चीज है कि इंसान को ऊर्जा देती है, मनोरंजन एक ताकत है, और मुझे लगता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं जवान, क्योंकि हर दिन मुझे एक नए सॉन्ग के साथ नए लोगों के साथ मिलकर एक नई ऊर्जा मिलती है, और जब वो गाने चलते हैं वो फिल्में चलते हैं तो एक प्यार जो मिलता है सब भर भर के, वो चीज है। दूसरी चीज की जितने भी मेरे दिग्गज आज वो हैं पॉलिटिशियन बन गए, तो ठीक है उनका अपना एक विजन था, उनको लगा जी शायद हम यहाँ भी कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने भोजपुरी को बहुत कुछ दिया है, और जो उन्होंने दिया है कम से कम अगर उसको आगे ना बढ़े, हम भी उन्हीं के राह पर हर जगह पीछे पीछे चलते रहे तो भी ठीक है। हमें जो चीजें सौंपी गई है, अपनी भाषा के एक नेतृत्व करने का एक मौका मिला है, मेरा सौभाग्य है कि हमारे बड़े भाइयों ने हमें उस लायक समझा है और हमने उस जगह को बनाई और लोगों के प्यार की बदौलत बनाई, तो कोशिश यही रहती है कि अपनी भाषा को अपने ऊर्जा से अपनी मेहनत से और ऊपर तक लेकर जाए आदमी। समय क्या कहेगा नहीं कहेगा कब क्या होगा, मैं सच पूछिए तो कल सोचता है, मैं आज सोचता हूँ कि मैं आज क्या कर रहा हूँ, और मेरे लिए आज ही कैपेबल है कि आज मुझे पता है कि मैं आज चल रहा हूँ, कल चल पाऊंगा कि नहीं मुझे खुद ही पता नहीं, तो मैं कल की बातें करता ही नहीं, जो प्रेजेंट है वही मेरा सब कुछ है, उसके बाद क्या होगा पता है। जब भैया ये आप हमेशा मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे आप उनकी बोली वोली दिखा रहे थे, भैया फिटनेस का राज क्या है आपके? क्योंकि मुझे प्यार करने वाले लोग हैं और मैं कभी खुद से प्यार, मैं 4 बजे सुबह भी आता हूँ तो मैं मुझे लगता है कि मुझे 220 मार भी सुनना चाहिए और मेरी आदतों में इधर तो 25 दिन से मैं कोई जिम नहीं किया क्योंकि लगातार भाग दौड़ की वजह से बहुत सारी टाइम ही नहीं मिल रहा है। अब आदमी 3 बजे 4 बजे जा भी रहा है और फिर 7 ही बजे उठना, तो थोड़ा सा आदमी बोला कि चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, वो तो 5 से 7-10 दिन में से बॉडी जितना था उतना फिर से बना, क्योंकि वो एक है बॉडी की आदतों में है वो, तो 5 दिन अगर लगातार मैंने 7 दिन अगर 10 दिन अगर मैंने कर ली तो फिर मैं उसी पीक पे आ जाता हूँ और फिर वो सिलसिला शुरू हो जाता है। तो यही बॉडी का राज है कि मैं खुद से प्यार नहीं करता, अपने आप को चलाता हूँ हथियार बनने के लिए और बनती जाता हूँ। भैया अगर बात करें क्रिकेट की, अगर क्रिकेट की बात करें तो आपने 2 खिलाड़ी को फॉलो कर रखा है, विराट कोहली एमएस धोनी, तो क्या कैसे देखते हैं इन 2 खिलाड़ियों को और क्रिकेट में कितना प्रेम है आपका? देखिए मैं क्रिकेट से मुझे बहुत प्रेम, लेकिन टाइम नहीं मिलता कि मैं क्रिकेट को एंजॉय कर पाऊँ, क्योंकि हाईलाइट देख लेता हूँ, उसी में खुशी मिल जाती है कि हमारे अपनी है और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो ये जिस विधा में है अपने नाम देश का नाम रोशन कर रहे हैं, अगर हम इन्हीं से प्रेम ना करें तो कोई मतलब, तो कोशिश करता है आदमी कि हम हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश के लोग जो जो जिस क्षेत्र में है वो क्या कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्रिकेट देखता हूँ
और मैं हर चीज देखता हूँ, न्यूज भी देखता हूँ, हर चीज को थोड़ा थोड़ा जरूर देखता हूँ जब वक्त मिलता है, जब कभी गाड़ी में बैठा तो गाड़ी में भी बैठ के इंसान गाने सोचने लगता है, कहानी सोचने लगता है। लेकिन फिर भी कभी लगा कि नहीं आज कुछ नहीं सोचना है, देश के बारे में कुछ जानना है, तो कोशिश आदमी करता है कि आज मोदी जी ने क्या बोला, राहुल जी ने क्या किया, तो इन्होंने क्या किया, तेजस्वी जी ने क्या किया, तो लालू चाचा का कैसा है तबीयत, तो इनका क्या। तो कभी कभी आदमी हफ्ता एक हफ्ता पे कभी आदमी न्यूज को भी सर्च मार लेता है, कभी क्रिकेट भी है कि क्रिकेट जब चलता है तो मैं उस दिन हाईलाइट ही देखता हूँ, बैठ के नहीं देख पाता क्योंकि वर्क इतना है। अगर मैं 3 घंटा बैठ कर क्रिकेट को एंजॉय करूँ तो मेरे पास भी तो एक काम है भाई, वो तो अपना काम कर ही नहीं है देश के लिए, मेरे पास भी तो लोगों के मनोरंजन के लिए, वो भी लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, उसके साथ साथ देश है, मैं भी लोगों का मनोरंजन कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ मेरा भाषा है, तो सबका अपना अपना एक जगह है और लोगों को एक काम मिला है कि भाई अगर आपको उस लाइक बनाया गया तो आप कोशिश करिए न्यूज काम को एंजॉय करिए, आप उसी में शतक मारिए, उसी में सेंचुरी मारिए, कोई पिच बनाने की जरूरत थोड़ी है, पूरी दुनिया पिच है, जहाँ खेलना है आप खेल कर अपना शतक पूरा कर सकते हैं। आखिरी सवाल कि अभी हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है उड़ीसा में, 13 तारीख से पहला मैच है भारत का, तो इंडियन हॉकी टीम के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस मैं यही चाहूंगा कि आप लोग अपने टारगेट को, जब आपको खुद से प्यार नहीं होगी तो शायद ये दुनिया आपको प्यार करेगी। कोशिश हर आदमी को यही करना चाहिए कि आप अपने आप को इतना थका दो, इतना थकाओ कि ये दुनिया पानी लेकर आपके पास पहुंच जाए और आपके पसीने से ये देश नहाए। तो जिस दिन ये ऐसा हो जाएगा और जो जो व्यक्ति अपने फिटनेस को लेकर, अपने वर्क को लेकर ईमानदार नहीं है, वो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाता। जिंदगी में हर उस रिश्ते के लिए भी ईमानदार होते हैं तब इंसान रिश्ता निभा पाता है। तो कोई भी चीज हो, जब तक आपके अंदर ईमानदारी उस काम के लिए, उस रिश्ते के लिए, उस खेल के लिए, उस लोगों के लिए, अगर ईमानदारी आपके अंदर नहीं तो मुझे लगता है कि आपकी जीवन व्यर्थ है। फिर आप उस 5 लोगों के लिए, 10 लोगों के लिए कमाइए, किसी का जाकर वर्क करिए और महीने का तनख्वाह लेकर आइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, यही करिए। देखिए हर आदमी को कोशिश ये करना है कि जीवन मिला है तो हम अपने ऊर्जा से, अगर आप न्यूज रिपोर्टर के तौर पर मेरे साथ बैठे हैं, आप जितना मेहनत करोगे उतना ही आप कवरेज करोगे। तो मुझे लगता है कि हर आदमी अगर मेहनत करे तो पूरी दुनिया पीछे है, आप आगे। भैया एक मैं गाना सुना था आपका, बहुत अच्छा लगता है मुझे गाना, वो हमेशा बार बार सुनता हूँ, मोरे सैया हो उठा ले तनी कोरा में, एक 2 लाइन थोड़ा मैं दर्शकों के लिए गा दूँ। जरता जवानिया के यारा हो, लगता निकल जाए बहरा हो, दिया के ना जोरा में तो सुन सैया हो, सुतल तनी कोरा में। बहुत खूब धन्यवाद भैया, थैंक यू। तो हम भी यही चाहेंगे कि सारे भैया और आगे बढ़े और जनता ने बहुत प्यार करें, भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में प्यार करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।